Hello students, good morning. Myself Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, Kanodia PG Mahila Mahavidyalay, Jaipur. Students, अपन लोग पढ़ रहे हैं Diagrammatic Representation of Potential Data. उसमें भी आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं Forwards Diagram. देखो, Forwards Diagram स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं. इस टॉपिक में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था लैटिमर डायग्राम. लैटिमर डायग्राम में अपन ने क्या किया था, कोई भी एक एलिमेंट लिया था, उस एलिमेंट की जो डिफरेंट स्पीसीज थी उनकी हाफ रिएक्शन को अपन ने रिप्रेजेंट किया था. सेकंड नंबर पे अपन ने पढ़ा था फ्रॉस्ट डायग्राम. फ्रॉस्ट डायग्राम में वही कोई एलिमेंट लिया, उसकी डिफरेंट स्पीसीज ली, उन डिफरेंट स्पीसीज का अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर लिया और उन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी थी उसकी स्टडी अपन ने वहाँ की. तो देखो, लैटिमर डायग्राम हो या फ्रॉस्ट डायग्राम हो, दोनों ही डायग्राम ने अपने को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे जो पीएच चेंज का इफेक्ट होता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी. जबकि अपन लोग जानते हैं कि अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो इक्विलिब्रियम पर एच प्लस आयन या फिर ओएच आयन की कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है. तो इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए अपने को तीसरे डायग्राम की हेल्प लेनी होगी, जो कि अपना कौन सा डायग्राम है, फॉरवर्ड्स डायग्राम. अब देखो, फॉरवर्ड्स डायग्राम के बारे में पहली चीज ये है कि फॉरवर्ड्स डायग्राम किस किस के बीच में प्लॉट होने वाला है. तो देखो, फॉरवर्ड्स डायग्राम जो प्लॉट होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पीएच के बीच में प्लॉट होगा. तो अब पहली चीज आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से आएगा. तो कोई स्पीसीज जो अपन ने ली है उसकी कोई ना कोई हाफ रिएक्शन होगी, उस हाफ रिएक्शन के साथ उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जुड़ा हुआ होगा. अब पीएच कौन सी लेनी है, जिस स्पीसीज के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अपन ने बात की थी उस स्पीसीज का वो पीएच अपने को लेना है जिस पीएच पे वो वाटर के अंदर स्टेबल है. तो इस तरीके से स्पीसीज की हाफ रिएक्शन से मिल गया ई नॉट और साथ के साथ अपने को मिल गया उसका पीएच. दोनों के बीच में जब अपन ने कर्व प्लॉट किया तो अपने को मिल गया फॉरवर्ड्स डायग्राम. अब अपन ने एक एग्जांपल लिया है. इस एग्जांपल में अपन क्या कर रहे हैं, मैग्नीज की स्पीसीज दे रहे हैं MnO4- की. इसको जैसे ही एसिडिक मीडियम में अपन रखते हैं तो रिडक्शन होता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, MnO2. तो इसके लिए अपन ने क्या किया है, नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया है और उसकी हेल्प से अपन लोग निकाल रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. फॉर्मूला हो जाता है E₀-0.059/N log कंसंट्रेशन ऑफ MnO₂ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ MnO₄-2 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. इस इक्वेशन में अपन ने क्या माना है कि एक्टिविटी जो है जिसको अपन कह रहे हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन, वो दोनों स्पीसीज के लिए है 1. दोनों स्पीसीज कौन कौन सी थी यहाँ पे, MnO₄-2 एंड MnO₂. तो देखो, इक्वेशन में E=E₀-0.059/N log दोनों जो अपनी स्पीसीज थी उनकी कंसंट्रेशन को अगर 1 माना तो यहाँ अपन ने 1 लिख दिया. अब अपने पास सिर्फ क्या बचा गया, एच प्लस का कंसंट्रेशन और उसके ऊपर है 4. तो देखो, इस 4 को क्या किया अपन ने, जब इसको जब अपन यहाँ ले गए यानी कि जब 4 यहाँ आ गया अपने पास, तो अपने पास क्या बचा रह गया, log 1/H+ जिसको अपन कह रहे हैं पीएच. तो फाइनली अपने को क्या इक्वेशन मिल रही है, E=E₀-0.018 pH. अब देखो, इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पीएच पे डिपेंड कर रहा है. अगर पीएच की अपन कंसंट्रेशन पीएच की वैल्यू को अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है. नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि ई वाली जो वैल्यू है वो अपनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और देखो, यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू बताई है आपको कि जब अपन MnO₄-2 से MnO₂ पे गए तो +6 से +4 पे आए, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अपना कितना रहा, 2. तो एन की वैल्यू कितनी रही अपनी, 2. तो देखो, ये तो बात की थी अपन ने किसी भी सिंपल हाफ रिएक्शन के. अब यहाँ नोट डाल के मैंने क्या बताया है कि अगर अपन पढ़ रहे हैं लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम, तो ये डायग्राम क्या कहते हैं कि एक्टिविटी तो अपनी रहेगी 1. पीएच के बारे में ये बात ही नहीं करते, यानी कि इन्होंने पीएच कितना मान के चला है, 0. तो अगर अपन एक्टिविटी कर दे 1, पीएच को अगर मान ले 0, तो अपना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट के बराबर. यानी कि यहाँ SRP में कोई चेंज ही नहीं हुआ, जो स्टार्टिंग में था वही अपने को लास्ट में मिला है. यानी कि इन दोनों डायग्राम्स में ये कहा जाएगा कि एच प्लस आयन और ओएच आयन की कंसंट्रेशन का यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी कि इन्होंने यहाँ पे पार्ट ही नहीं किया. अब देखो, अपन ने यहाँ क्या किया है, मैग्नीज की स्पीसीज ली है बहुत सारी और उनके लिए अपन ने तैयार किया है फॉरवर्ड्स डायग्राम. ये देखो, इस साइड पे तो अपन ने ले लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट में और इस तरफ अपन ने ले लिया पीएच. पीएच की वैल्यू अपन ने -2 से स्टार्ट करके 16 तक गए हैं और जो अपन ने ई नॉट लिया है वो -1.8 से लेके 2.2 तक लिया है.
तो देखो यहाँ पर ये जो कॉर्वेक्स डायग्राम आया है इसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है। अब अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स केमिस्ट्री फ्रॉम कॉर्वेक्स डायग्राम। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो कॉर्वेक्स डायग्राम की हेल्प से अपन लोग देख रहे हैं। देखो अगर इस डायग्राम में अपन देखें तो Mn+2 जो आयन है इसने सबसे ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है। यहाँ पे pH देखो इसने -2 से कवर करी है लगभग 7 तक। इसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कवर किया है वो -1.1 से लेके 1.4 तक कवर किया है। तो अगर कोई आयन इतना सारा एरिया कवर कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, अपने आप में एक स्टेबल आयन है, स्टेबल आयन है। और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है, +2। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि मैग्नीज की जितनी भी स्पीसीज होती है उन स्पीसीज में सबसे जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अपनी क्या मिलेगी, +2। अब अपन आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट भी अपन कॉर्वेक्स डायग्राम की हेल्प से देखने वाले हैं। देखो अगर अपन कॉर्वेक्स डायग्राम पे जाएं तो इस फील्ड के बाद में अपने को यहाँ एक और फील्ड मिला हुआ है जो कि डिस्टॉर्टेड स्क्वायर फील्ड है। इस डिस्टॉर्टेड स्क्वायर फील्ड के अंदर अगर अपन देखें तो जो स्पीसीज है वो है MnOH का होल ट्वाइस। और ये जो स्पीसीज है अपनी ये देखो क्रीम कलर की है या फिर आप कह सकते हैं कि इसका कलर वाइट है। और ये स्पीसीज अपने को कैसे मिलती है, जो Mn+2 आयन था जिसको अपन कॉर्वेक्स डायग्राम में कह रहे हैं कलरलेस या फिर आप कह सकते हैं कि वो एक लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन है, अगर इस सोल्यूशन की अपन pH बढ़ा दें और pH लगभग कर दें 8 तक तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, MnOH के होल ट्वाइस में, जो कि एक वाइट कलर का PPT होता है। ये देखो यहाँ तक जो था मैगनीज लगभग 7 pH तक जो था वो Mn+2 की फॉर्म में था, और जैसे ही pH अपन ने बढ़ाना चालू कर दिया तो ये जो Mn+2 स्पीसीज थी वो अब MnOH का होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो गई, जो कि एक क्रीम कलर या फिर आप कह सकते हैं हल्का वाइट कलर जो होता है उस कलर का होता है। अब अपन लोग आ रहे हैं तीसरे पॉइंट से। तीसरा पॉइंट जो है वो भी कॉर्वेक्स डायग्राम से आ रहा है। ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अपने पास यहाँ 2 डॉटेड लाइन है, और ये डॉटेड लाइन किसको बता रही है कि वाटर की जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उन रेडॉक्स रिएक्शन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज का जो इफेक्ट होता है pH के साथ वो यहाँ शो किया गया है। इन दोनों डॉटेड लाइन में से एक देखो कहाँ से निकल रही है, MnOH की होल ट्वाइस से निकल रही है, और एक जो डॉटेड लाइन है वो कहाँ से निकल रही है, MnO2 से होती हुई निकल रही है। ये देखो मैं आपको कॉर्वेक्स डायग्राम में बता दूँ, ये अपने पास पहली लाइन है, देखो ये कहाँ से पास हो रही है, ये अपनी दूसरी डॉटेड लाइन है जो यहाँ से निकल रही है। अब देखो ये दोनों लाइन्स तो हो गई, अब बताने वाली चीज क्या है कि अगर अपन ने इस स्पीसीज को रख दिया है एयर में तो एयर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखो स्टार्टिंग में जो अपनी स्पीसीज थी वो तो MnOH का होल ट्वाइस थी जिसको अपन ने हल्का व्हाइट या क्रीम कलर कहा है। जैसे ही इसको अपन एयर में रखेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज होके हो जाएगा रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन जो कलर हुआ वो कौन से स्पीसीज की वजह से हुआ, Mn3O4 सॉलिड की वजह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो कलर चेंज होगा वो रेडिश ब्राउन से चेंज होके चला जाएगा डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक में, और वो जो कलर चेंज हुआ है वो Mn2O3 स्पीसीज की वजह से हुआ है, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो पूरा काला हो जाएगा वो MnO2 सॉलिड की वजह से हुआ है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो अपना क्रीम कलर का PPT था इसके ऊपरी वाले हिस्से पे कुछ लेयर्स बन गई रेडिश ब्राउन Mn3O4 की वजह से, डार्क ब्राउन या ब्लैक कहते हैं Mn2O3 की वजह से। इसके अलावा एक ब्लैक कलर की बड़ी लाइन बनेगी वो MnO2 की वजह से बनेगी, उसके ऊपर हल्का हल्का पर्पल कलर दिखेगा वो MnO4- की वजह से दिखेगा, और पास में थोड़ा सा ग्रीन कलर दिखेगा जो कि MnO4-2 की वजह से है। ये देखो कॉर्वेक्स डायग्राम में भी ये क्रीम कलर आ गया, ये रेडिश ब्राउन, ये डार्क ब्राउन, ये ब्लैक, ये पर्पल और ये हल्का ग्रीन कलर। तो ये तो इफेक्ट ऑफ एयर था। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ये कॉर्वेक्स डायग्राम से नहीं पढ़ रहे हैं अपन, एक जनरल बात है कि अगर मैग्नीज का कोई ऑक्साइड है अपने पास उसको अपन ने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर के कांटेक्ट में रखा है तो ये स्पीसीज कोई सी भी हो ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगी Mn3O4 में। Mn3O4 एक रेड ब्राउन कलर की स्पीसीज होती है जो कि MnO और Mn2O3 का कॉम्बिनेशन होती है। MnO की बात करें तो मैग्नीज +2 की फॉर्म में होता है, Mn2O3 की बात करें तो मैग्नीज Mn+3 की फॉर्म में होता है, और ये दोनों ही जो आयन होते हैं वो डिस्टॉर्टेड स्पाइनल स्ट्रक्चर के होते हैं। अब आता है अपना 5 पॉइंट, और ये जो पॉइंट होता है अपना वो अपने कॉर्वेक्स डायग्राम से लिया है।
ये पॉइंट क्या कहता है कि जब अपन ने डायग्राम देखा तो नीचे की तरफ एम एन प्लस टू स्पीसीज थी, ऊपर की तरफ एम एन ओ टू स्पीसीज थी जिसमें मैगनीज एम एन प्लस फोर की फॉर्म में था, और ये दोनों ऊपर नीचे वाले जो फील्ड थे वो बहुत बड़े फील्ड थे। ये देखो ये एम एन प्लस टू वाली स्पीसीज है, एम एन ओ एच का होल ट्वाइस में अगर देखें तो भी मैगनीज एम एन प्लस टू की फॉर्म में है, तो देखो ये इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अपन ने एम एन ओ टू लिया है, ये जो ब्लैक कलर का है इसने भी एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। यहाँ पे जो मैगनीज है वो प्लस फोर की फॉर्म में है, तो इस प्लस टू और प्लस फोर के बीच में देखो ये दो छोटी छोटी लाइन्स बनी हुई है, और ये जो छोटी लाइन्स हैं ये लेस स्टेबल है। ये किस किस की वजह से है? एम एन टू ओ थ्री की वजह से, जहाँ मैगनीज प्लस थ्री की फॉर्म में है। एम एन थ्री ओ फोर की वजह से, एम एन थ्री ओ फोर अभी अभी मैंने बताया आपको दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एम एन ओ और एम एन टू ओ थ्री, यानी कि यहाँ पे भी मैगनीज किसकी फॉर्म में हो सकता है? प्लस थ्री की फॉर्म में। तो ये जो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है ये क्या करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन करके ऊपर और नीचे दोनों स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। डिस्प्रोपोर्शनेशन में आपको पता ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो देखो रिडक्शन से ये नीचे वाली स्पीसीज में शिफ्ट हो जाएंगी और ऑक्सीडेशन से ये ऊपर वाली में शिफ्ट हो जाएगी। अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर सिक्स पे। पॉइंट नंबर जो सिक्स है अपना वो क्या कहता है कि एम एन ओ टू जो है वो एम एन ओ फोर माइनस के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, और जब ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो इनके पास एक इक्विलिब्रियम लाइन बनती है, और इस लाइन को अगर अपन कंपेयर करें स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर से, तो जब मैंने आपको स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर पढ़ाया था तो वहाँ पे जो फील्ड था वहाँ ऊपर की तरफ एक लाइन बताई थी जहाँ पे ऑक्सीजन और H2O का कन्वर्जन बताया था। तो अगर उस लाइन से इसको कंपेयर करें तो इनकी जो इक्विलिब्रियम लाइन होती है वो उनकी लाइन से हमेशा ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में क्या है कि अगर MnO2 को कन्वर्ट करना है अपने को MnO4- में, तो यहाँ जो कन्वर्जन होगा वो इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन से होगा, और वो इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन कौन करने वाला है? यहाँ एयर, यानी कि एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही MnO2 और MnO4- किस में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर सेवन पे। पॉइंट नंबर सेवन जो है वो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि MnO4- आयन जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगर अपन ने इसको वाटर में डाला तो वाटर में जाके ये ऑक्सीडेशन करेगा ही करेगा, यानी कि ये वाटर के अंदर अनस्टेबल रहेगा। चाहे वाटर की पीएच आपने कितनी भी कर दी हो, इसका जो काम है वो इसको करना ही है, तो इसका मतलब ये वाटर में अनस्टेबल है। वाटर में अनस्टेबल है या तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये वाटर का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। अब जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ये लाइट की प्रेजेंस में भी होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब भी MnO4- आता है तो वो अपनी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करता है? लाइट की प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन जब होगी तो ये MnO2 से कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी। अब देखो MnO4- को जब अपन कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगर ये अपन ने मीडियम लिया है एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 आयंस में। Mn+2 आयंस जो होते हैं वो कलरलेस प्रोडक्ट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि लाइट पिंक कलर के होते हैं। अगर अपन ने रिडक्शन कराया है, यानी कि MnO4- ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है या तो बेसिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल में, तो वहाँ पे ये रिडक्शन के बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्यूबल ब्लैक ब्राउन MnO2 प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखो अपने को दोनों प्रोडक्ट मिल गए, MnO4 का, और रिडक्शन अगर एसिडिक मीडियम में कराया तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर इसका रिडक्शन अपन ने बेसिक मीडियम या न्यूट्रल में कराया है तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये तो था आज का अपना टॉपिक फॉरबैक्स डायग्राम। यहाँ तक आते आते अपना ये जो पूरा टॉपिक था वो कवर हो गया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डेटा, जहाँ अपन ने लैटिमर डायग्राम बहुत डिटेल में पढ़ा, क्रॉस डायग्राम डिटेल में पढ़ा, और आज अपन ने फॉरबैक्स डायग्राम डिटेल में पढ़ा। ये चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।